हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की और आपकी एनर्जी लेकर फॉर कमिंग 36 आवर्स, आने वाले 36 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे एनर्जीज में, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आने वाले 36 घंटे के अंदर अभी से इस वक्त से न्यू मून भी पड़ेगा, तो कुछ एनर्जीज़ हम एडवांस में न्यू मून की भी पिक करने की कोशिश करेंगे। वैसे एनर्जी 2 दिन से काफ़ी हैवी है। लेट्स चेक क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आप में से कई लोगों का सवाल आ रहा है मेरे पास कि मैम अभी अभी आपने एक शॉर्ट वीडियो लोड करी है महादेव की, जिसमें आपने लिखा है शिव तांडव बिगिंस अलर्ट मोड ऑन, क्या मतलब है इसका? बहुत सारे लोग परेशान हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो मैंने माता की एक फ़ोटो डाली थी और देवी काली की फ़ोटो थी, और मैंने उस टाइम लिखा था आज से करीब 1 महीने पहले आई थिंक, या 20-25 दिन पहले, एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने डाली थी। मैंने कहा था दहल जाएगी ये धरती, आई थिंक कम्युनिटी पे भी डाली थी यूट्यूब के। आपने देखा उसके बाद कैसा विनाश हुआ, देखा? वायनाड में अनगिनत लोगों की मौत हुई है, लेकिन काउंटिंग सिर्फ 300-400 बताई जा रही है, लेकिन वहाँ के लोग जो बता रहे हैं अनगिनत लोग, पूरा पूरा गांव इस तबाही का शिकार हुआ है बहुत बड़े लेवल पे। इवन आज सैटेलाइट इमेज भी आई है और बहुत ज़्यादा तबाही मची है वहाँ पर, अभी लोगों की काउंटिंग ही पॉसिबल नहीं है। और ये जो एनर्जी है ये आम बात नहीं है, किसी के पूरा पूरा गांव तबाह हो जाना एक सेकंड में, बादल फट जाने से, लैंडस्लाइड हो जाने से। हिमाचल का हाल आप देख रहे हैं किस तरीके का है, कितने लोग लापता हैं, अनगिनत लोग केदारनाथ में खाई में लटके हुए हैं, रास्ता ही नहीं है वापस आने के लिए। मैंने हमेशा वॉर्न किया था इस टाइम पहाड़ी एरियाज़ में ना जाएं, बट सब लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते होंगे। जितने देखते हैं अगर अपने परिवार वालों को सतर्क करेंगे तो कम से कम उनकी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, बट मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसे वार्निंग दे सकती हूँ, जिसके भाग्य में होगा उस तक वो पहुँच जाएगी एनर्जी। अब आज मैंने देखा है केदारनाथ का वीडियो जिसमें खाई में लटके हुए हैं लोग पूरे परिवार के साथ, बुज़ुर्ग हों चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, रास्ता नहीं है, न इस पार जा सकते हैं न उस पार जा सकते हैं। अगर भगवान न करे कुछ भी बारिश होती है, रात होती है, जंगल एरिया है, वो लोग खाई में खड़े रहेंगे। कितनी मुश्किल समय में वो लोग फंसे हुए हैं, और मेरे ख्याल से 3300 यात्री तो केदारनाथ धाम की साइट पे लिखा हुआ है, 3300 लोग कुछ होते हैं। आप सोचिए ये क्या है। अब आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की भी संभावना, और इस अनएक्सपेक्टेड में ये बात मैंने कही थी कि कुछ ऐसा होगा इस हफ्ते में जिससे एक नींव होगी आने वाले समय की। आप चाहें तो जाकर देख लें पीछे, इसी संडे की अनएक्सपेक्टेड में नींव धरी जाएगी जो कि आगे चल के एक बड़ा रूप लेगी, और वो नींव अब पड़ चुकी है। तो ये क्या है, ये सब विनाश के संकेत हैं। और अभी जो एनर्जी मुझे पिक हुई है भोलेनाथ से रिलेटेड, मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले वाली वीडियो में कहा था महादेव रुष्ट है, लेकिन अब ये जो था, ये जो अभी जो कुछ भी हुआ है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक चैनलिंग डाउनलोड हुई है मुझे। बस इतना ही कहूँगी कि सत्कर्म पे जितने लोग हैं वो धर्म के राह को छोड़े नहीं, पकड़ कर रखें, बस इतना ही कह सकती हूँ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग कमिंग 36 आवर्स। तो उस वीडियो के बारे में अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ, बाकी मैंने अपने चैनल वालों को वार्न कर दिया है ताकि लोग सतर्क रहें।
शिव शंकर। कमिंग 36 आवर्स क्या एनर्जी रहेगी लव लाइफ में? मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है कमिंग 36 आवर्स? फोर ऑफ वांड्स, डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, हर्मिट। आप एनर्जीज देख रहे हैं और बॉटम से है मून। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन एनर्जी का फ्लो दो दिन से आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी है। मैं बार बार वॉर्न कर रही हूँ कि इस टाइम पे आर्ग्यूमेंट से बचें, झगड़े से बचें, अपने रिलेशनशिप को मजबूती देने का काम करें, कमज़ोर ना करें। एनर्जी इज़ वेरी हैवी कमिंग 36 आवर्स। शादी का नाम भी मत लीजिएगा, कमिटमेंट की कोई बात मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आए उस टाइम पीरियड में ये चीज़ मत कीजिएगा। दूसरी बात, नेगेटिविटी का अटैक बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पीरियड में। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि डेविल की वाइब्स है, या फिर आपका पार्टनर ऑब्सेसिव एनर्जी होगी, शक कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बेतुकी बातों पर झगड़ा कर सकते हैं। आप इन पर शक कर सकते हैं या ये आप पर शक कर सकते हैं। रोना धोना, सफरिंग, गुस्सा, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करना, इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सारी एनर्जी होगी इस टाइम पीरियड में कमिंग 36 आवर्स के अंदर। कुछ लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि सब ख़त्म, ये रिश्ता ख़त्म, मूव ऑन करते हैं इस रिश्ते से, यहाँ तक बात आ जाएगी, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा बस दैट्स इट, अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं इसको और नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, अकेले रहना है मुझे, अकेला छोड़ दो। ये वाली एनर्जी रहने वाली है कमिंग 36 आवर्स लव लाइफ में। तो इस एनर्जी को बहुत सतर्कता से सुनिए, और इस एनर्जी से बचना है, नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो सबसे पहले अपने पार्टनर से दूर रहिए। दो तीन दिन न्यू मून बीत जाने दीजिए, उनका मैसेज आता है प्यार से उतना ही रिप्लाई दीजिए जितना वो पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी भेजने की, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा आप मत करिएगा जिससे आपने पता चला उनको चार पांच मैसेजेस भेज दिए और उन्होंने सामने से ब्लॉक कर दिया, आपसे पूछा भी नहीं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, आपको ये लगे कि यार मुझे नहीं भेजना चाहिए था, क्यों भेज दिया मैंने। कुछ मत करो, जस्ट अगर गुड मॉर्निंग गुड नाइट होता है वो सामने से जो करते हैं उतना ही करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालो। दो तीन दिन थोड़ा शांति से रहो, हो सके तो बहुत ज़्यादा बार बार ऑनलाइन मत रहो, बार बार डीपी चेंज मत करो, क्योंकि आपका पार्टनर का मूड है थोड़ा घुमा हुआ, तो ये आप पर ना उस बात पर भी गुस्सा कर सकते हैं कि तुम तो 24 घंटे ऑनलाइन रहती हो या रहते हो और मुझ पर शक करते हो, तुम किससे बात करते हो, क्या करते हो, मैं पूछने आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की बातचीत भी आप में से कई लोगों के साथ हो सकती है। इवन कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, ये इमोशनल पर्जिंग होगी। यहाँ मून के साथ डेथ आया है तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, एक तरह से ग्रहण वाली एनर्जीज़ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में किसी तरह का ग्रहण है, कुछ ना कुछ बैड फेज़ ये फेस कर रहे हैं, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन आप पर निकल जाएगा। तो इससे बचना है तो ऐसी कोई एनर्जीज़ को अपने तक आने मत दीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए ताकि ये सफरिंग्स आप तक ना आ पाएँ, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी रहने वाली है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में शादी, विवाह, कमिटमेंट, घर पे बात किए नहीं किए, क्या होने वाला है, कुछ मत पूछो। अगर आप चाहते हो कि ब्रेकअप ना हो तो ऐसी कोई सवाल नहीं, इवन खाना खाया नहीं खाया, सो गए नहीं सो गए, कुछ नहीं, जस्ट अपने काम से काम रखो। जब उनका मैसेज आए बहुत प्यार से बात करो, उनका मैसेज ना आए शांति से सब्र से बिताओ ये सिचुएशन, ठीक है। इमीडिएटली क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए कमिंग 36 आवर्स? एनर्जी डिस्ट्रक्शन, देखिए आप खुद देखिए मैं क्या करूं अब इसमें, एनर्जी यही है, एनर्जी का फ्लो यही है इस टाइम पीरियड में। शांति इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कमिंग 36 आवर्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग इनका घुमा हुआ है,
जस्टिस कार्मिक ट्रिगर्स बहुत फेस करेंगे इस टाइम पीरियड में, किसी भी सिचुएशन में, करियर में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी सिचुएशन है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, सब्र रखिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आने वाले 2 दिन। 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये, 36 आवर्स की वीडियो है, लेकिन 48 आवर्स तक ये एनर्जी रहेगी। होप रखो आने वाले समय में जो सिचुएशन आएगी वो आपके फेवर में आएगी, चेंज आएगा सिचुएशन में, लेकिन अभी फ़िलहाल इट्स अ सफरिंग फेज। आपके पर्सन बिल्कुल डिस्कनेक्टेड बिहेव कर सकते हैं, बिल्कुल बात नहीं करनी, दूर रहना है, मुझे मैसेज मत करो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये सब सुनने से अच्छा है कि पहले से ही सतर्क रहो, ठीक है। सो ये थी गाइस कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग, आपको गाइड करना ज़रूरी था ताकि आप लोग सतर्क रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।